पीलीभीत पहुंचे उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान गन्ना मंत्री ने इमरजेंसी समेत सभी वार्डों में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल पूछा और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिया। उन्होंने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी को ड्यूटी के प्रति संजीदगी का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि फरियादी की त्वरित सुनवाई हो, शिकायत की गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर निस्तारण किया जाए। इसलिए अफसर जनसुनवाई में कतई ढील न बरते और पात्रों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए। इतना ही नहीं, CUG नंबर पर आने वाली कॉल को लेकर भी गंभीरता बरतें। किसी भी कॉल को टरकाने की कोशिश ना की जाए। अगर इससे संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होनी तय है। प्रत्येक घर में स्ट्रेचर थोड़ी होता है। नहीं, ये तो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है सर। ये जिला नहीं, यहाँ स्ट्रेचर मौजूद है? नहीं सर, उसे स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हुई है। जी जी, कल रात की घटना है सर। यहाँ से लाद के थोड़े ही ले गए? नहीं नहीं, एम्बुलेंस से उतारा गया तो उसे स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं मिली है सर। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जल्दी में उतार लिया हो, यहाँ स्ट्रेचर सफिशियंट है, स्ट्रेचर की कोई कमी। जब हम 15 आदमियों की रोज डायलिसिस फ्री कर रहे हैं यहाँ, तो स्ट्रेचर की कमी कैसे हो सकती है? मतलब एक चीनी मिल है यहाँ पर, मझोला शुगर फैक्ट्री, उसको लेकर ये बात सामने आई कि PPP से वो जो है डेवलप की जा रही है। इसमें एक नई व्यवस्था सामने आने की बात कही जा रही है कि किसान जब गन्ना डाल के अपने घर पहुँचेगा तब तक पेमेंट आ जाएगा। क्या ये मतलब किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये? चीनी मिल को पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जब से आए हैं तब से जो बंद चीनी मिलें थी उनको चलाया गया और नई चीनी मिलों की भी स्थापना की गई, और जो पहले छोटी थी उनका उनको एक्सटेंशन भी किया गया। मझोला चीनी मिल को चलाने का प्रोजेक्ट विचाराधीन है, जल्दी चले।